हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 13 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 13 वीडियो में प्रश्नावली 10.5 पे और क्वेश्चन नंबर है 6। कह रहा है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसके विकर्ण एक बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। चलिए मैं फिगर भी बनाते चलता हूँ। हम लोग एक चक्रीय चतुर्भुज की रचना कर लेते हैं जिसका नाम ए बी सी डी है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग एक चक्रीय चतुर्भुज पहले बना लेते हैं। तो यह आपका एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। इसका नाम हम लोग यहाँ पर देते हैं ए बी सी डी। इसके विकर्ण परस्पर किस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं? ई पर। एक बिंदु ई है, इस पर ये प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो बिंदु ई आपकी यह वाली हो जाए एक बिंदु। ठीक है, अब देखिए इसके बाद क्या दिया है। यदि एंगल डी बी सी बराबर 70 डिग्री, देखिए डी बी सी बराबर में है ये 70 डिग्री, डी बी सी 70 डिग्री है और बी ए सी 30 डिग्री है। बी ए सी ये आपका कितना है? 30 डिग्री है। ठीक है, चलिए तो हमें क्या कह रहा है, एंगल बी सी डी ज्ञात कीजिए। हमें क्या निकालना है? एंगल बी सी डी, ये पूरा एंगल निकालना है। फिर कह रहा है कि पुनः यदि ए बी बराबर बी सी हो, ए बी बी सी के बराबर हो, ए बी बी सी के बराबर हो, तो एंगल ई सी डी बताइए। ई सी डी का मान बताइए, ई सी डी का मान कितना होगा? तो चलिए देख लेते हैं पहले यहाँ पर क्या क्या दिया है और हमें क्या ज्ञात करना है। हमारे पास दिया है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है तो चक्रीय चतुर्भुज के बारे में जानते ही हो। इसके प्रत्येक सम्मुख कोणों का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। ठीक है, विकर्ण ए सी तथा बी डी एक दूसरे को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। ई पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, अच्छा और क्या है? एंगल डी बी सी बराबर में 70 डिग्री, एंगल बी ए सी ठीक है बराबर में 30 डिग्री। तो ज्ञात करना है पहला हमें निकालना है एंगल बी सी डी। ठीक है, और दूसरे में कह रहा है कि यदि ए बी बराबर बी सी हो तो हमें पूछ रहा है कि एंगल ई सी डी का मान क्या होगा। ठीक है, ई सी डी का मान हमें निकालना है। तो चलिए अब हम लोग इसका हल देखते हैं। ठीक है, तो हमें पता है, हमें ये अगर निकालना है तो अगर ये पूरा एंगल इतना तो ये 30 है, ये वाला एंगल पता चल जाए तो ये देखो ना ये 70 है तो ये भी 70 ही होगा क्योंकि एक ही वृत्तखंड द्वारा बने हुए कोण है। देखिए इसी वृत्तखंड द्वारा यह भी कोण बना है और यह वाला भी कोण बना है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि एंगल डी ए सी बराबर हो जाएगा एंगल डी बी सी के। ठीक है, यह डी ए सी डी बी सी के बराबर होगा क्योंकि यहां लिख सकते हैं एक ही वृत्तखंड द्वारा बने कोण है, वृत्तखंड द्वारा बने कोण तो बराबर होंगे ही ना जी। चलिए तो यहां से हमें पता चल गया कि डी ए सी भी क्या हो गया? 70 हो गया। एंगल डी ए सी भी क्या आ गया? 70 डिग्री आ गया। यह भी आपका 70 डिग्री क्या हो गया। यह टोटल हमारा अगर बात करें एंगल डी ए बी की तो यह डी ए बी कितना हो जाएगा? तो एंगल डी ए सी और प्लस में एंगल बी ए सी, इन दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 70 डिग्री और प्लस में 30 डिग्री यानी 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो डी ए बी ये जो है 100 डिग्री होगा। तो डी ए बी और ये जो हमें निकालना है बी सी डी, इन दोनों का योग 180 होगा। एंगल डी ए बी प्लस में एंगल बी सी डी बराबर में 180 डिग्री। क्यों होगा 180? तो हम लोग जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज के
चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों के प्रत्येक युग्म का योग 180 डिग्री होता है, या सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से ये तो आपका है 100 डिग्री, और बी सी डी हमें निकालना है, तो इसको ले जाएंगे उधर घटा देंगे, तो एंगल बी सी डी बराबर में आ जाएगा 80 डिग्री, समझ गए। अब हमें निकालना है हमें ई सी डी, लेकिन यहाँ कह रहा है कि ए बी ए सी के बराबर है, तो देखो यहाँ पर ए बी ए आपके किसके बराबर है, बी सी के बराबर है ना, ए बी बी सी के बराबर है। ठीक है, तो ए बी बराबर है बी सी के, ये इसके बराबर है। अगर हम लोग बात करें त्रिभुज ए बी सी में, तो यहाँ देख रहे हैं कि ए बी बराबर है ए सी बी सी के, ए बी बराबर है बी सी के, यह दिया हुआ है। तो जब ए बी बी सी के बराबर है, तो यह दो भुजाएं बराबर है त्रिभुज की, तो इनके ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल बी ए सी बराबर में एंगल बी सी ए बराबर में 30 डिग्री, दोनों 30 30 हो जाएगा ना, क्यों तो लिखेंगे त्रिभुज में, त्रिभुज में समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे ये भी आपका क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया, समझ गए ना, ये 30 है तो ये भी 30 हो गया। तो हमें ये वाला निकालना है, कौन सा हमें निकालना है, ई सी डी, ई सी डी ही ना निकालना है जी, ई सी डी निकालना है, यह वाला कौन निकालना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि एंगल बी सी डी बराबर में आया है 80 डिग्री, अभी हम लोग निकाले हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि एंगल ई सी डी और प्लस में एंगल बी सी ए, बी सी ए लिखो या बी सी ई भी लिखेंगे तो चलेगा, बराबर में 80 डिग्री, समझ गए ना, इन दोनों को ही तो मिला के बना है, इस कोण को और इस कोण को, तो इसका मान आपके पास 30, अभी हम लोग निकाले हैं, एंगल ई सी डी निकालना है, ये 30 है और बराबर में 80, ये जाके उधर कटेगा, तो एंगल ई सी डी बराबर में कितना आ जाएगा, 50 डिग्री, यहाँ से आंसर आ जाएगा, समझ गए। तो हमने 80 डिग्री ये बी सी डी निकाल लिया, और ई सी डी का मान 50 डिग्री निकाल लिया, समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर